हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों यूएसए वीजा के रिलेटेड। अगर आप भी आने वाले टाइम में यूएसए का B1 या फिर आप B2 कैटेगरी का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए यूएसए का वीजा अप्लाई करने का। और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक अनदर यूएसए का टूरिस्ट वीजा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए या फिर आप आने वाले टाइम में किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा या फिर आप स्टडी वीजा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ या ओनली टूरिस्ट या स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले आपके साथ हम वीजा शेयर करने वाले हैं यूएसए का। तो ये आप देख सकते हैं, ये यूएसए का वीजा। मैं इनकी जो फुल इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ कह सकती हैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने अभी ट्रैवल करना है यूएसए के लिए। तो अगर आप भी आने वाले टाइम में यूएसए का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री से, किसी भी शेंगेन कंट्री से, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए यूएसए का वीजा अप्लाई करने का। और ये जो पर्सन थे ये जर्मनी से थे, तो ये जर्मनी में कह सकते हैं ये पीआर होल्डर है, तो इनका जो यूएसए का वीजा अप्रूव होकर आया। जो इनका जो कहना था भी, इनको इंटरव्यू में तकरीबन कह सकते हैं 1 से 2 सवाल किए गए, जो इनसे जो 2 प्रश्न किए गए उन्हीं प्रश्नों के उत्तर इन्होंने दिए, वो उसी टाइम इनको जो यूएसए का वीजा अप्रूव होकर आया। तो अगर आप भी आने वाले टाइम में यूएसए का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, किसी यूरोपियन कंट्री या किसी शेंगेन कंट्री में आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है या टेम्पररी रेजिडेंसी कार्ड है तो आप विदाउट बैंक बैलेंस, विदाउट बैंक स्टेटमेंट आप यूएसए का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों के मन में यही डाउट रहता है, वो डरते रहते हैं पता नहीं यूएसए का जो वीजा है वो यूएसए प्रोवाइड नहीं करती, तो पता नहीं वो हमसे क्या पूछेंगे इंटरव्यू में। बट मैं आपको कह सकता हूँ यूएसए जो वीजा प्रोवाइड करती है वर्ल्ड की सबसे जो ऐसी एक ही ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा जो वीजा प्रोवाइड करती है और सबसे आसान डॉक्यूमेंट लगाकर आप यूएसए का वीजा ले सकते हैं। तो अगर आप यूएसए का B1 B2 कैटेगरी का अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है $160 जो तकरीबन इंडिया की 12,000 रुपए, तो आप 12,000 रुपए में यूएसए का वीजा खुद अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेकर आप उनसे अप्लाई करवा सकते हैं। तो फिलहाल आज के टाइम में इंडिया से जो अपॉइंटमेंट्स है वो अवेलेबल नहीं है 2025 तक। अगर आप किसी अनदर कंट्रीज में है, अर कंट्री में है, या फिर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री, शेंगेन कंट्री, वर्ल्ड की किसी कंट्री में भी है तो आप कह सकती हैं यूएसए की अपॉइंटमेंट बुक करके, आप खुद इंटरव्यू क्लियर करके आप यूएसए का 10 साल का जो वीजा है वो अपने पासपोर्ट पर उसकी जो स्टैंप है वो आप लगवा सकते हैं। और आज की वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री, अनदर कंट्री में आप रह रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए यूएसए का वीजा अप्लाई करने का। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।